प्रेरणा कथा। बच्चे का मित्र जिमी अपने परिवार के साथ शहर में रहता था, परंतु उसको ग्रामीण क्षेत्र में प्रकृति के बीच जाकर समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक बार अपने बेटे के जन्मदिन को मनाने के लिए वो अपने परिवार और कुछ मित्रों के साथ शहर के पास के एक जंगल में गए। उन्होंने कुछ दिन वहीं बिताने की योजना बनाई थी। उन्होंने जंगल में एक कॉटेज किराए पर ले लिया था। वहाँ पर मेहमानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी और चारों तरफ प्रकृति के अद्भुत नज़ारे थे। वो अपने कॉटेज से ही बहुत से जंगली जानवरों को जंगल में घूमते हुए देख सकते थे। पहले दिन जब वो अपने कॉटेज की तरफ जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता देखा। जिमी के 2 वर्ष के बेटे ने उस कुत्ते को एक बिस्किट दे दिया। कुत्ता उसके छोटे छोटे हाथों से वो बिस्किट लेकर बहुत ही खुश हुआ और पूंछ हिलाने लगा। कुछ ही समय में वो कुत्ता और जिमी का 2 वर्ष का बेटा मित्र बन गया। उसके बाद तो कुत्ता हमेशा जिमी के बेटे के पास ही रहने लगा। उनके भ्रमण के 3रे दिन उन्होंने जिमी के बेटे का जन्मदिन खूब अच्छे से मनाया, खूब खाया पिया और उस छोटे कुत्ते को भी खाने के लिए चिकन, बिस्किट्स और अन्य चीज़ें दी। अगले दिन सभी ने जंगल में जाकर छोटे जानवरों का शिकार करने की योजना बनाई। जिमी के बेटे को उसकी आया के साथ छोड़कर सब लोग जंगल चले गए। जिमी का बेटा और उसकी आया कॉटेज में ही रहे। कुछ घंटों बाद जिमी और उसकी पत्नी सबसे पहले वापस आने वालों में से थे। उन्होंने देखा कि कॉटेज का मुख्य द्वार खुला हुआ था और सामने के बड़े कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, परंतु कोई जवाब नहीं आया। उनको बहुत ही चिंता हुई। उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। अचानक उनको वो कुत्ता दिखाई दिया। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। जिमी और उसकी पत्नी तो भयभीत हो गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सभी लोग दौड़ते हुए वहां आ गए। जब उन्होंने कुत्ते के मुंह पर खून देखा, उन्होंने सोचा कि कुत्ते ने जिमी के बेटे को काट लिया था। सब ने मिलकर उस कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय आया और जिमी का बेटा भी कॉटेज में वापस आ गए। बच्चे को सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। उन्होंने कुत्ते को मारना छोड़ दिया। बेचारा कुत्ता दर्द से कांप रहा था, परंतु उनको समझ नहीं आया कि कुत्ते के मुंह पर वो खून कहां से आया था। उसी समय आया ने कहा कि एक भेड़िया घूमता घूमता उनके कॉटेज के पास आ गया था। वो जिमी के बेटे पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु उस कुत्ते ने भेड़िए का रास्ता रोक लिया और उससे भिड़ गया। उस कुत्ते ने तो भेड़िए से बच्चे की जान बचाई थी। आया ने कहा कि वो बच्चे को लेकर पीछे के कमरे में छुप गई थी। ये सुनकर सभी को बहुत गिलानी हुई कि उन्होंने उस कुत्ते को पीटा था जिसने बच्चे की जान बचाई थी। जिमी ने तुरंत ही उस कुत्ते की मरहम पट्टी की और उसको खूब दूध पीने को दिया। कुछ देर के बाद कुत्ता सब कुछ भूल गया और फिर से बच्चे के साथ खेलने लगा। वापिस आते समय वो लोग उस कुत्ते को भी अपने साथ शहर ले आए और वो कुत्ता उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहने लगा। मित्रों, बेजुबान जानवरों पर हम बहुत अत्याचार करते हैं। क्रोध में हम अपने पालतू जानवरों को भी पीट देते हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको भी दर्द होता है और उनकी भी भावनाएं होती हैं, परंतु उनको भगवान ने एक विशेष गुण दिया है। आप चाहे अपने पालतू जानवरों को कितना भी पीट लें, वो आपको माफ कर देता है और सब कुछ भूल जाता है। काश मनुष्य भी क्षमा करने का ये गुण बेजुबान कुत्तों से सीख सकते हैं। मित्रों, जानवरों पर कभी भी अत्याचार मत कीजिए। अपने पालतू जानवरों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्रेम कीजिए। वो आपसे सिर्फ थोड़ा सा भोजन और बहुत सारा प्रेम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।